करके पेट का दाना कम, अगर किसी के घर में कम है पैसा, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से, हम भी गरीब परिवार से ही है, हम लोग कोई बड़ा घर के नहीं है, क्या करते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि कैसे होता है। अगर दोपहर का सुबह का खाए, दोपहर का खाए तो शाम को थोड़ा सा खा के सो जाते हैं अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए। मेरा बाप भी वैसे ही किए हैं हमको पढ़ाने के लिए। शाम को कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, बोलेंगे तो आंख से आंसू जाएगा। सबको ऐसे ही करके पढ़ाते हैं ना अपना बच्चा को कि मेरा बच्चा आगे जाके नौकरी करेगा। कैसे करेगा इसे में आपका बच्चा नौकरी, सब नौकरी तो बाहर वालों को दिया जा रहा, कहाँ से मिलेगा आपके बच्चा को नौकरी। और जो बाद में दोष दिया जाता कि फनाला का बेटा वो लड़की से चक्कर था, सुसाइड कर लिया, फांसी लगा के मर गया, फांसी फंदा लटका लिया अपना गला में, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका बेटा को एहसास होता है कि हम, मेरा मम्मी पापा, मेरा माँ बाप हमको इतना खर्चा करके पढ़ाया लिखाया है और आज हम उन लोग के लिए एक नौकरी नहीं ले पाए, उन लोग को हम कैसे पालेंगे पोसेंगे। वो एक तो नौकरी का रहता है, फिर घर से उसका प्रेशर रहता है कि बाबू तुमको इतना खर्चा किया, नौकरी नहीं हो रहा है। ये सवाल अपने बच्चा को नहीं, नेता मंत्री को कीजिएगा कि तुमको हम वोट दिया, मेरा बच्चा का क्या भविष्य नहीं बन रहा है। जब सब तरह से उसके दिमाग में प्रेशर आता है ना तो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने का मतलब होता है आगे कुछ सोच नहीं पाता हमको क्या करना क्या नहीं करना, लास्ट में वो मर जाता है। फिर बाद में बोला जाता कि उसका बेटा उसका बेटी के साथ चक्कर था तो मर गया, उसका बेटी के उसका बेटा के साथ चक्कर था तो मर गया। ऐसा नहीं होता है, वो एक बहाना है, ये किया जाता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। लोग डिप्रेशन में आके वैसे करता है। हाल फिलहाल में जमशेदपुर में एक लड़का रेल में कट के मर गया। वो लड़का एनसीसी करता था हमारे साथ, मेरे साथ एनसीसी करता था, हम लोग के साथ। लड़का का नाम है रंजन लाहा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड लाया है। एसएसबी फाइट कर रहा था, एसएसबी फाइट कर, एसएसबी में जो जाता है ना एनसीसी करके, उसका स्पेशल एंट्री होता है। स्पेशल एंट्री में 4 दिन का इंटरव्यू होता है। 4 दिन का इंटरव्यू में जिसमें जिस दिन लास्ट दिन था ना, लास्ट दिन उसको आखिरी वक्त पे उसको हटा दिया 2 बार। फिर उसके बाद वो एक रेलवे पुलिस का फॉर्म भरा था, उसमें उसका क्या हुआ, पहला बार उसको मेडिकल में हटा दिया, दूसरा बार इस बार उसका जिस दिन वो मर गया उसका 2 दिन बाद उसका मेडिकल होने वाला था। उसके पास कॉल आया था मेडिकल में, बाबू तुम्हारा मेडिकल के लिए तुमको पैसा चाहिए। अब कितना मांगा था ये तो नहीं मालूम, गरीब घर का हम लोग जैसे गरीब घर का बच्चा था, अपना घर में बोला हमको नौकरी तो करना है और मेडिकल के लिए पैसा मांग रहा है। उसका माँ बाप साग उग बेच के, बकरी उकरी बेच के, उसको पढ़ाया लिखाया, धान उन बेच के कहाँ से इतना पैसा पाएगा जो उसको देगा नौकरी करने के लिए। जमीन तो नहीं बेचेगा, कभी जमीन बेच के नौकरी नहीं कीजिएगा। जब घर में पैसा नहीं दे पाया, कहीं से पैसा भी जुगाड़ नहीं कर पाया उतना, आखिरी में वो एक सुसाइड नोटिस, एक लेटर लिखा है कागज में, लिख दिया कि मेरा घर परिवार का कोई दोष नहीं है, हम अपना जिंदगी से तंग आ चुके हैं, हम इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पा रहे। और लेटर लिख के ट्रेन का पटरी में जाके, ये पटरी है ना, पटरी में अपना सिर को जैसे किसी बलि चढ़ाते हैं ना वैसे अपना सिर को रख के, शरीर एक साइड करके अपना जान गवा दिया। और उसका जो शरीर एक साइड में, ऐसे मानिए कि उसका गला को कोई काट दिया है, उसका माथा 2 किलोमीटर दूर में जाके उसका माथा मिला है। लड़का नौकरी के लिए मर गया। ये सब क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है सब, गलती हम लोग का भी है इसमें। अब की बार से कोई नेता आएगा वोट मांगने तो सीधा सवाल कीजिएगा, आपको तो हम लोग इतना बार जीता है, इतना वोट दिया, आप हमारे बच्चों के लिए क्या किए, क्या किए आप हमारे बच्चों के लिए। अगर वो बोलेगा करेंगे तो कब करेंगे, जब हमारे बच्चों का उम्र पर हो जाएगा, जब हमारे बच्चे एक एक करके अपना जिंदगी गंवा देंगे तब करोगे क्या आप। आपका बच्चा तो फॉर्चूनर में घूम रहा है, एसोरा में घूम रहा, वोट हम लोग दे रहे हैं, हमारे वोट से आपका बच्चा एसी में रह रहा है और हमारे बच्चे का क्या हो रहा है, ये सवाल आप लोग जरूर कीजिएगा। और आप लोग को आगे जरूर आना है, जिस दिन माता आगे आ जाएगी ना उस दिन पूरा कायनात भी मिल जाए तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगड़ सकता है झारखंड का। आप लोगों को आगे आना जरूरी है, इतना हिम्मत रख, अगर कोई लड़की कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देती है इतना दर्द सहती है कि वो इतना दर्द से आदमी मर जाता है, जितना वो दर्द सहती है उसको खुद को पता नहीं रहता मेरा बच्चा को जन्म देने के बाद मेरा बच्चा का मुंह हम देख पाएंगे कि नहीं, खुद नहीं जानती है कि हम मुंह देख पाएंगे कि नहीं, हम जिंदा बचेंगे कि नहीं। जब इतना आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो अपना बच्चों के लिए क्यों अभी नहीं आ रहे हैं, अगर अभी नहीं आएंगे तो बाद में सड़क में भटकना पड़ेगा। जो गुलगुलिया लोग होते हैं ना, 1 महीना 1 गाँव में रहते हैं फिर जाके 2 महीना 1 गाँव में रहते हैं, उससे भी बहुत बुरा स्थिति होगा हमारा अगर हम लोग अभी नहीं जागेंगे और अभी नहीं निकलेंगे तो। हमारा अधिकार के लिए पहले हम लोग आवाज नहीं उठाते थे,
कुछ नहीं होता था, ना लाठी चार्ज होता था ना कुछ नहीं। अभी आवाज उठाना शुरू कर दिया, लाठी चार्ज हो रहा, मारपीट हो रहा, धारा लग रहा, लड़कियों पे भी अत्याचार किया जा रहा, लड़कियों को भी मारा जा रहा सिर पे। यही आपका रामगढ़ पे ही सिर पे मारा था ना एक दीदी को, कितना बेरहमी से मारा था सिर पे। क्या उस तरह से मारना चाहिए? पुलिस लोग का पैसा, उन लोग का सैलरी, उन लोग का तनख्वाह बनता कहाँ से? कहाँ से बनता है उन लोग का तनख्वाह? हम ही लोगों का पैसा से बनता है। और वो लोग क्या करता है? हम ही लोग को आके बरस देता है डंडा। अभी ये दिन है, अब 40% जब वो लोग घुसेगा तो वो लोग सोचिए उस टाइम क्या करेगा। घर से भी बाहर निकलने के लिए नहीं देगा बच्चों को। 40% वो लोग घुसेगा तो वो लोग ही नहीं आएगा सिर्फ, वो लोग का पूरा परिवार आएगा। परिवार आने के बाद उन लोग का जो परिवार है आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो वो लोग आसपास के जमीन जायदाद भी तो लेगा, खरीदेगा। और अभी तो देख रहे हैं कि जमीन जायदाद अगर नहीं बेचना चाह रहा है कोई तो बेच रहा है, और गांव में एक दो दलाल भी निकल जाते हैं, वो लोग से पैसा ले लेते हैं, बेचवा लेते हैं। ये हकीकत बात है, निकल जाते हैं वैसे, जबरदस्ती बेचवाएगा, सिर फोड़ेगा, मारेगा, प्रशासन लाएगा, डराएगा, जबरदस्ती ले लेगा। फिर लेने के बाद और एक दिन जाके आपका आंगन भी ले लेगा वो, तब क्या कीजिएगा? और इतना सब कुछ होने के बाद आप लोग को नहीं लग रहा है कि आने वाला 10 साल में इससे भी बहुत बुरा स्थिति होने वाला है? और भाई लोग से विशेष एक रिक्वेस्ट है, आप लोग राइडर बनते हैं, गाड़ी को पूरा इधर उधर हीरोगिरी करते हैं, करते हैं ना, कि आप लोगों को गाड़ी हीरोगिरी करने के लिए आपके मम्मी पापा खरीद दिया है। कितना मेहनत से खरीद देता है गाड़ी, इसलिए खरीद देता है मेरा बच्चा ट्यूशन जाएगा, कोचिंग जाएगा, पढ़ेगा। अगर ऑटो से जाएगा तो परेशानी होगा, धूप में आके थक जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। आपको कोचिंग और आपको पढ़ाई करने के लिए गाड़ी खरीद देता है, गाड़ी में तेल डाल देता है, ना कि हीरोगिरी करने के लिए। हीरोगिरी करते हो, गाड़ी इधर उधर से घुमाते हो, जाके कोई हाईवा में जाके घुस जाते हो, अपना जान गंवा देते हो। कभी एक बार भी अपने माता पिता के बारे में सोचते हो कि अगर मेरा यहाँ पर अगर हम घुस जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, और मेरा माता पिता का क्या होगा? क्या इसी दिन के लिए आप लोग को पाल पोस के वो लोग बड़ा किए थे? नहीं ना, गाड़ी क्या इसीलिए आप लोगों को खरीद देते हैं राइडर बनने के लिए? नहीं, आपके माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्यों इतना परेशान होगा, वो जाएगा अच्छा तो पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा अफसर बनेगा, यही सोचते हैं। और आप लोग क्या करते हैं उसका नतीजा? राइडर। और जितने बहन लोग हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आंदोलन में आप लोग निकलिए। अगर आप लोग नहीं निकलेंगे, आप लोग कॉलेज स्कूल तो जाते हैं ना, कॉलेज जाते होंगे, स्कूल वाले लोग को तो उतना ज्यादा नहीं होता है, जो कॉलेज जाती है ना, कॉलेज में आप लोगों को बाहर वाली लड़कियों के साथ भी ये हो जाता है, एक ही कॉलेज में पढ़ती होंगी तो वो लोग आप लोग के साथ कैसे बर्ताव करती है? थोड़ा गलत बर्ताव करती है ना, अगर आप लोग को देखेगी सामने तो मुंह घुमा के चली जाती है, थोड़ा घृणा टाइप से करती है ना। आपका झारखंड, हमारा झारखंड, मतलब हमारा घर, वो आएगी मेहमान बन के हमारा घर, और हमारा घर में आके हमको घृणा करके चला जाएगी, कितना दिन बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग? हमारा पिताजी का राज है तो राजकुमारी भी हम रहेंगे, ये होना चाहिए, समझ रहे हो? राज हमारा पिताजी का तो राजकुमारी किसी और का बेटी को यहाँ नहीं होने देंगे, राजकुमारी भी हम ही लोग रहेंगे, इसीलिए निकलना पड़ेगा। राजकुमारी बनने के लिए ऐसे राजकुमारी नहीं बनता, लड़ना पड़ता है, लड़ने सीखो उन लोग से, उन लोग को भगाने सीखो। ऐसे ही कोई राज सिंहासन आप लोग को अपना झारखंड, हमारा जो झारखंड है ना, इतना सब कुछ भरल पड़ा है हमारा झारखंड में, इसीलिए तो लोग झारखंड छोड़ना नहीं चाहते, झारखंड छोड़ के जाना नहीं चाहते, वो लोग यहाँ राज करना चाहते हैं। तो क्यों देंगे हम लोग यहाँ, यहाँ का राजकुमारी बन के कौन रहेगा? हम लोग ना, तो फिर क्यों हम लोग उन लोग को यहाँ आने देंगे? क्यों देंगे हम लोग आने? मेहमान बन के आओ, पढ़ने आओ, पढ़ो लिखो, यहाँ दादागिरी नहीं चलेगा। होता है ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, अधिकार मांगोगे तो चीर देंगे।